ना हमारी कोई व्यक्तिगत कभी कोई अदावत रही है, तो ये जो बात है कि कोई जवानी जंग छिड़ गई है या कोई बात है, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि उन्होंने इस तरह की कोई टिप्पणी की है, तो संवैधानिक असंवैधानिक का है वो तो कागजों में है, जो जिस जो संविधान है आरसीए का, उस संविधान के हिसाब से चुनाव हुआ है। उनको अगर कोई दिक्कत है तो उनके सामने कागज़ रख दिए जाएंगे। उन्होंने अभी तक हमारे को कोई ना तो नोटिस दिया है ना हमसे कोई संपर्क किया है। ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से, आप जैसे मित्रों के माध्यम से बात सामने आई है। अगर कोई कागज़ आएगा, कोई बात आएगी, तो उसको उस तरह से जवाब देंगे। और व्यक्तिगत जैसे उन्होंने कोई टिप्पणी की है, तो उस टिप्पणी का जवाब ये है कि बिल्कुल वो मान रहे हैं इसको असंवैधानिक, हम कह रहे हैं बिल्कुल संवैधानिक है, इसमें कहीं कोई लूपहोल नहीं है। नहीं, कोरोना काल की व्यवस्था क्या, ये जो संविधान है आरसीए का वो ये कहता है कि एक तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और एक आरसीए का नुमाइंदा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और इस चुनाव में दोनों के दोनों वहाँ मौजूद हैं, दोनों के जो हमारे चुनाव उपरांत जो प्रमाण पत्र है उसके ऊपर दोनों के हस्ताक्षर है। देखिए, इसका मेरे को ज्ञान नहीं है, इसका जवाब शक्ति सिंह जी दे सकते हैं कि उनको कोई नोटिस मिला है या नहीं मिला है। वही आई थिंक इसके लिए सही इंसान होंगे जवाब देने के लिए। मेरे को जो बात जो मेरे संज्ञान में है वो ये है कि जो सेक्रेटरी हैं सामोता जी, वो अवेलेबल नहीं थे। हमारे जो जिला संघ के सचिव है सुशील जी, उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, जब उनकी उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने उसके बाद में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो अध्यक्ष होते हैं आरसीए के, उनसे इन्होंने संपर्क किया और इन्होंने कहा कि मेरा चुनाव जो है वो 20 तारीख को होना है और मेरा सेक्रेटरी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आरसीए की तरफ से एक ऑब्जर्वर आना है। तो अध्यक्ष जी ने इसकी व्यवस्था की, अध्यक्ष जी ने उनको भेजा। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि आरसीए का चुनाव तो अभी बहुत दूर है, और सीडी अगर आप इसको कह रहे हो तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास जता के मेरे को जिला संघ का अध्यक्ष बनाया है, ये उनके साथ धोखा होगा, ये सीडी नहीं है। मैं पहले अपनी काबिलियत चूरू जिला संघ में साबित करूँगा, जिस विश्वास से उन लोगों ने मेरे को चुना है उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, मेरा यही देह है, यही मेरा मकसद है। प्रोफाइल तो जाहिर है अपने में बहुत बड़ी होगी महबूब गहलोत के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके लिए पूरी ताकत लगा दी थी इस प्रोफाइल के लिए, आप नहीं चाहते कि आपको ये प्रोफाइल मिले अध्यक्ष आरसीए तक? देखिए, मैंने ये कहा कि भविष्य गर्भ में है, जिस दिन इस आरसीए के चुनाव का नोटिस जारी होगा उस दिन बाकी के जो जिला संघ है उनके साथ बैठ के उनसे बातचीत करके और समन्वय बना के वो जिसको जो जिस पद के लिए आगे बढ़ाएंगे वो आपस में हम समन्वय से काम करेंगे।